गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आरसीसी डिजाइन के कुछ क्वेश्चंस और करते हैं। पहला क्वेश्चन है, डिफ्लेक्शन कैन बी कंट्रोल्ड बाय यूजिंग द अप्रोप्रिएट। ऑप्शंस हैं एस्पेक्ट रेशियो, मॉडुलर रेशियो, स्पान अपॉन डेप्थ रेशियो या फिर वाटर सीमेंट रेशियो। करेक्ट ऑप्शन होगा स्पान अपॉन डेप्थ रेशियो। जो वर्टिकल डिफ्लेक्शन लिमिट है उनके लिए आईएस कोड के हिसाब से 10 मीटर तक की अगर लेंथ है तो कैंटिलीवर बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम और कंटीन्यूअस बीम के लिए वैल्यू रिस्पेक्टिवली 7, 20, 26 होती है। 7 होती है कैंटिलीवर के लिए, 20 होती है सिंपली सपोर्टेड के लिए, 26 होती है कंटीन्यूअस बीम के लिए। लेकिन अगर लेंथ 10 मीटर से ज़्यादा हो जाती है तो इन्हीं में 10 अपॉन स्पान का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। अगर वैल्यू स्पान की सपोज 12 मीटर है तो 7 × 10/12 हो जाता है। तो ये चीज़ क्लियर है कि डिफ्लेक्शन को या वर्टिकल डिफ्लेक्शन को कंट्रोल किया जा सकता है अप्रोप्रिएट स्पान अपॉन डेप्थ रेशियो से। अगला क्वेश्चन है, अनइक्वल टॉप एंड बॉटम रेनफोर्समेंट इन ए रेनफोर्स्ड कंक्रीट सेक्शन लीड्स टू। अगर टॉप और बॉटम पे अनइक्वल रेनफोर्समेंट होगा तो डिफरेंशियल स्ट्रेन जनरेट होंगी जो कि रेनफोर्समेंट सिंकिंग को जनरेट करेंगी। और जब रेनफोर्स सिंकिंग जनरेट होगा तो उसका मतलब कि एक जगह पे हायर रेनफोर्समेंट होगा, एक जगह पे लोअर रेनफोर्समेंट होगा और ये सिंकिंग डिफ्लेक्शन को जनरेट करेगी। तो अनइक्वल टॉप एंड बॉटम रेनफोर्समेंट जो है वो लीड्स टू श्रिंकेज डिफ्लेक्शन। करेक्ट ऑप्शन बी पार्ट होगा। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस में थोड़ा सा प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग अगर आपको है, विजुलाइज कर पाते हैं कि ऐसी कंडीशन में क्या होता है, तो रिमेम्बरेंस उतनी कठिन नहीं रहती है, वो समझ के तल पे चीज़ें बैठ जाती हैं। पार्शियल सेफ्टी फैक्टर कंक्रीट और स्टील के लिए 1.5 और 1.15 होता है। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछते हैं कि इसकी वैल्यू इनके लिए क्या होती है, तो बहुत सिंपल हो गया। अब वो ये कह रहे हैं कि ये जो वैल्यू होती हैं कम ज़्यादा क्यों होती हैं, इसके पीछे रीजन होता है कंट्रोल ऑफ क्वालिटी। कंट्रोल ऑफ क्वालिटी कह सकते हैं या टेक्निकली कंट्रोल ऑफ वेरिएबिलिटी कह सकते हैं। अगर आप कोई एक कंक्रीट सेक्शन क्रिएट करें विदाउट स्टील और एक कंक्रीट सेक्शन क्रिएट करें विद स्टील, अब इसमें जो कुछ भी चीज़ें अगर करेंगी विद रिस्पेक्ट टू डिफ्लेक्शन, क्रैकिंग, वो सब ज़्यादा बेहतर होगा स्टील वाले केस में। रीजन क्या है? रीजन ये है जो हायर वेरिएबिलिटी होती है वो कंक्रीट से एसोसिएट करती है। जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी डिफाइन किया जाता है वो इसी वेरिएशन, इसी क्वालिटी के ग्रेडिंग के हिसाब से किया जाता है कि कौन अदर अदर कंडीशंस में टेम्परेचर के वेरिएशन पे, अनदर चीज़ों पे बिल्डिंग को स्टेबिलिटी दे सके। तो जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है वो इसीलिए कंक्रीट के लिए ज़्यादा होता है और स्टील के लिए कम होता है, यही पूछा गया। तो इसका ऑप्शंस जो दिए गए हैं उनमें करेक्ट ऑप्शन होगा द कंट्रोल ऑफ द क्वालिटी ऑफ कंक्रीट इज नॉट एज गुड एज दैट ऑफ स्टील। अगला क्वेश्चन है, इन द लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन द फेल्योर क्राइटेरिया फॉर रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम्स एंड कॉलम इज। जो फेल्योर क्राइटेरिया है वो रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम्स कॉलम्स के लिए लिमिट स्टेट में कौन होता है, प्रिंसिपल स्ट्रेस, प्रिंसिपल स्ट्रेन, सीयर स्ट्रेस या स्ट्रेन एनर्जी। तो प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी होती है। ये थ्योरी ये कहती है कि जो फेल्योर ऑफ मटेरियल या कंपोनेंट है वो अगर तब करेगी जब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेन डेवलप्ड इन द बॉडी ज़्यादा हो जाएगी। किससे ज़्यादा हो जाएगी? लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्ट्रेन से। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्ट्रेन क्या होती है? वो वैल्यू ऑफ स्ट्रेन जो करेस्पॉन्ड करती है यील्ड पॉइंट ऑफ द मटेरियल के। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ कंक्रीट, ये जो होता है स्ट्रेन कर्व हमने आपको कल भी बताया था, इस तरीके से बनता है यानी कि 0.002 तक ये पैराबोलिक जाता है, उसके बाद स्ट्रेट हो जाता है। उसने वही कर्व क्यों पूछा है? तो नियरली पैराबोलिक अप टू 0.002 स्ट्रेन वैल्यू एंड देन स्ट्रेट लाइन अप टू फेल्योर। तो ये आपके सामने फिगर बना हुआ है जिसमें हमने वही तीन कंडीशन बताई थी अलग अलग FCK की वैल्यू के लिए। तो इस स्ट्रेस कर्व की आपसे डिजाइनेशन पूछिए। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मॉडुलर रेशियो टू बी यूज्ड इन द एनालिसिस ऑफ आरसी बीम्स यूजिंग वर्किंग स्ट्रेस मेथड इफ द ग्रेड ऑफ कंक्रीट इज M20। अगर ग्रेड ऑफ कंक्रीट M20 है तो मॉडुलर रेशियो क्या होगा? मॉडुलर रेशियो के लिए आप फार्मूला लगा सकते हैं 280 अपॉन 3 सिग्मा CBC। और सिग्मा CBC M20 के लिए एज पर कोडल प्रोविजन 7 होता है। यहाँ पे आप 7 वैल्यू रख देंगे, 280 में डिवाइड करेंगे तो आपको वैल्यू जो मिलेगी वो मिलेगी 13.3। जो वैल्यू आपको मिलेगी वो 13.3 मिलेगी। अगला क्वेश्चन है, इन ए रेनफोर्स कंक्रीट सेक्शन द शेप ऑफ द नॉमिनल सीयर स्ट्रेस डायग्राम। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल है एक्चुअली में। ये जब ऐसे पूछा जाए तो आप IAS कोड का ही आंसर करिए। एक केवल एग्जाम ऐसा हुआ था जिन्होंने इलास्टिक थ्योरी के पर्पस से इसका आंसर जो है कुछ और दे दिया था। इसका करेक्ट ऑप्शन और का मतलब रेक्टेंगुलर ओवर द फुल डेप्थ शायद दे दिया था, एक कोई स्टेट AE का एग्जाम हुआ था। जबकि इसका करेक्ट ऑप्शन होगा पैराबोलिक एबव द न्यूट्रल एक्सेज, पैराबोलिक एबव द न्यूट्रल एक्सेज और रेक्टेंगुलर बिलो द न्यूट्रल एक्सेज। हमने वो फिगर भी बताया है और इसमें कहानी भी लिखी है कि कब कैसी कंडीशन में आपको कौन सा आंसर लगाना है। तो ये वाला चीज़ है। देखिए आप एक चीज़ इन्होंने लिखी है, एक इलास्टिक थ्योरी को दिखाया है, एक कोड को दिखाया है। कोड जो प्रोविजन है उसमें रेक्टेंगुलर ओवर द फुल डेप्थ है और जो इलास्टिक थ्योरी है उसमें
ये वाला पोर्शन दिखाया, ये सेक्शन और ये कोडल प्रोविजन को दिखाया। तो टेक्निकली सारी कहानी पढ़ने के बाद भी आपको जो करेक्ट ऑप्शन लगाना है वो यही लगाना है, रेक्टेंगुलर जो पैराबोलिक अबव द न्यूट्रल एक्सिस एंड रेक्टेंगुलर बिलो द न्यूट्रल एक्सिस, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा वहाँ पर। अल्तो जब हम ये क्वेश्चन करवा रहे थे तब हमने ये चीज़ डिस्कस की थी, क्योंकि दो जगह मुझे ये मिला था रेक्टेंगुलर ओवर द फुल डेप्थ, उसके पीछे एक्सप्लेनेशन भी था कि यहाँ ऐसी क्यों कंडीशन क्रिएट हो रही है। लेकिन आपकी जिम्मेदारी कि आप यही लगाइए, क्योंकि 90% केसेज में यही आंसर सही भी है, और बाकी उस पर हर चीज़ पे एक एक्सप्लेनेशन रहता है वो एक अलग चीज़ है। देन मिनिमम स्ट्रेन एट फेल्योर इन टेंशन स्टील हैविंग यील्ड स्ट्रेस FY इज इक्वल टू 415 MPa एंड यंग्स मॉडल्स दिया है, आपको यील्ड स्ट्रेस दी है और उसने पूछा है मिनिमम स्ट्रेन एट फेल्योर, तो टेंशन स्टील में पूछा है और इसकी वैल्यू हमने बताई थी होती है 0.002 प्लस FY अपॉन 1.15 ES। 1.15 का रीजन समझ में आ रहा होगा, फैक्टर ऑफ सेफ्टी है। इसी 1.15 को ऊपर लिखते हैं तो 0.87 लिख देते हैं। अब 0.002 में कुछ ऐड हो रहा है, क्या ऐड हो रहा है, FY अपॉन दिस वैल्यू रख दो 0.87 इंटू 415, 2 इंटू 10 to the power 5, 0.0038 वैल्यू आ जाएगी, तो करेक्ट ऑप्शन बी पार्ट हो जाएगा। कुछ लोग याद रख लेते हैं तो सीधे क्लिक कर देंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ग्रेड ऑफ स्टील इज डिजाइनेटेड एज Fe415 इफ। ग्रेड ऑफ स्टील इज डिजाइनेटेड एट Fe415, इसका मतलब है ये जो 415 है ये 415 न्यूटन पर mm² इसकी करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है। तो इसमें कोई डाउट नहीं हो कि इसको आप अल्टीमेट स्ट्रेंथ मान लें, अपर यील्ड स्ट्रेस मान लें, ये करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ M25 कंक्रीट, डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ M25 कंक्रीट इन डायरेक्ट कंप्रेशन, बेंडिंग कंप्रेशन, फ्लेक्चरल टेंशन क्या वैल्यू है। डायरेक्ट कंप्रेशन में वैल्यू होगी 0.4 FCK और M25 है तो 25 का गुणा करेंगे तो 10 आ जाएगी, केवल दो ऑप्शन बचे ए और सी। इसके बाद है बेंडिंग कंप्रेशन, उसमें होगी 0.45 FCK, 25 का गुणा करेंगे 11.15 MPa आएगा, केवल ऑप्शन ए हो जाएगा। तीसरा अगर आपको नहीं भी पता है, फ्लेक्चरल टेंशन 0.7 रूट FCK होती है तो 3.5 हो जाएगी, क्योंकि 25 का रूट 5 आएगा और 5 का गुणा अगर आप 0.7 में करेंगे तो 3.5 होगा, तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। ये चीज़ें याद रखनी पड़ती हैं, नहीं तो अब एक तरीके से तीन क्वेश्चन हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, परमिसिबल बेंडिंग टेंसाइल स्ट्रेस इन हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार्स ऑफ ग्रेड 415 इन बीम इच। परमिसिबल बेंडिंग टेंसाइल स्ट्रेस, जब अभी हम एक दिन बता रहे थे तो उसमें हमने पूरी वैल्यू लिखी थी 0.45, 0.4, 0.5, 0.55, IH पर IS 456 2000 परमिसिबल बेंडिंग टेंसाइल स्ट्रेस इन HYSD बार, HYSD ये याद रखना, तो 0.55 FY होती है और इसने स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार्स जो लिखा है यील्ड उसका मतलब यही है HYSD, तो 0.55 FY। अब इसमें 415 का गुणा करो क्योंकि ग्रेड दी है, तो 228.25 आएगा, नियरेस्ट ऑप्शन 230 होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आप वहाँ 0.45 या 0.6 ऐसा कुछ लगाएं तो गलत हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मैक्सिमम स्ट्रेन इन एन एक्सट्रीम फाइबर इन कंक्रीट एंड इन द टेंशन रेनफोर्समेंट इन ए बैलेंस सेक्शन एट लिमिट स्टेट ऑफ फ्लेक्चर आर रिस्पेक्टिवली। देखो ध्यान से सुनना मैं जो कह रहा हूँ, अभी जो मैंने वैल्यू निकाली थी वो 0.0038 निकाली थी, और वो कौन सी वैल्यू निकाली थी, टेंशन में वैल्यू निकाली थी, और एक्सट्रीम फाइबर में तो आपको पता ही है 0.0035 होता है। उसके अलावा उसने टेंशन फॉर्मेट में भी पूछा, वो 0.0038, केवल एक ऑप्शन ही ऐसा है जो करेक्ट है, बाकी कोई कंफ्यूज भी नहीं कर रहा, तो करेक्ट ऑप्शन ए पार्ट होगा। ये क्वेश्चंस आगे मैं मानता हूं कि एक एक क्वेश्चन पे 15-15, 20-20 मिनट डिस्कशन कॉन्सेप्ट बेसिस पे किया जा सकता है, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत कम हो जाएंगे और क्वेश्चंस की वैरायटी बहुत ज़्यादा है। इतने क्वेश्चन करने के बाद भी आपको लगता होगा कि अभी RCC में 40-50 क्वेश्चन और हो जाएं, ये बात सही है। अभी फिलहाल जो सीरीज चल रही है उसमें RCC यहीं तक रखते हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक सर्वेइंग या बिल्डिंग मटेरियल को लेंगे, उसको कंटिन्यू रखेंगे, जो क्वेश्चंस SSC JEE में पूछे गए हैं उनसे जो कॉन्सेप्ट क्रिएट होते हैं वो, और एक दो प्रैक्टिस सेशन। इस तरीके से सीरीज चल रही है। किसी किसी दिन एनर्जी लेवल थोड़ा डाउन रहता है, कभी कभी चीज़ें ऐसी अकर करती हैं कि वो जो सेंटर ऑफ फोकस होता है वो नहीं हो पाता, किसी दिन वीडियो नहीं भी आ पाता है। दिस इज़ द पार्ट ऑफ द लाइफ फॉर एवरीवन।